मी डॉक्टर सुनील देशमुख. आज जी वैक्सीनेशनचा इथे सुरुवात झाली त्यासाठी वैक्सीन घ्यायला इथे आलेलो आहे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती येथे. आणि इथली व्यवस्था अत्यंत छान मला दिसली. आणि आज सुरुवातीलाच्या काळामध्ये ते मला वाटते आज 100 डोस ते इथे देणार आहेत. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने डॉक्टर्स जे फ्रंटलाईन डॉक्टर्स आहे आणि जे कोविडच्या अंतर्गत काम करतात अशा जे फ्रंटलाईन लोक आहेत त्यांना आज प्रामुख्याने वॅक्सिन आपण इथे देणार आहोत असं मला मेडिकल कॉलेजच्या डीननी आणि इथल्या प्रशासनाने सांगितलेलं आहे. एकंदरीत इतका मोठ्या व्यापक प्रमाणावर येणाऱ्या काळामध्ये हा वॅक्सिनेशनचा उपक्रम चालणार आहे. त्याच्यामुळे सुरुवातीपासून याच्यात लक्ष देऊन डिसिप्लिन पद्धतीने शिस्तबद्ध पद्धतीने केलं तर गोंधळ उडण्याची शक्यता नाही. आज इथे आल्यानंतर असं लक्षात आलं की या लोकांनी चांगली व्यवस्था केलेली असल्यामुळे कुठेही गोंधळ उडालेला नाही. मी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेजचे डीन, त्यांचा स्टाफ, त्यांचे सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निर्मळ, त्यांचे इतर तसेच IMA चे सगळे पदाधिकारी, तसेच आज अमरावती कॉर्पोरेशन महानगरपालिकेचे आयुक्तसुद्धा इथे होते, त्यांचे महापौरसुद्धा इथे होते. या सगळ्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने व्यवस्था केलेली असल्यामुळे हे वॅक्सिनेशनची सुरुवात चांगली झालेली आहे. याबद्दल मी प्रशासनाला मनापासून त्याचे अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो. सर, फिर भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये सेफ है या नहीं है, इस पर अभी तक किसी का फुल प्रूफ जो विश्वास है वो बैठा नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. जो लोग ये व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनको इनका साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, उन्होंने इस पर टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं है. देश के ICMR से लेके जितने भी जिसको बोलते श्रेष्ठतम संस्थाएं हैं वो सब संस्थाओं ने इसको अप्रूव किया हुआ है. सारे डॉक्टर्स अपने देश के सारे डॉक्टर्स खुद ले रहे हैं. ऐसे में इस पर कोई क्वेश्चन मार्क तैयार करना और ऐसे लोगों ने कि जिनको इसका कोई नॉलेज नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, ऐसे लोगों ने इस पर क्वेश्चन मार्क तैयार करना या इसके बारे में कुछ गलत सलत बातें पब्लिसिटी के लिए बाहर बोलना मुझे लगता उचित नहीं है. आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इतने बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हिंदुस्तान में देश में हो रहा है, ऐसे आपने देखा होगा कि कुछ फैनेटिक लोग अलग अलग पाकिस्तान में, तो मैंने सुना कि वहाँ तो जो वैक्सीनेशन की जो टीम गई थी उन पर हल्ला हुआ, उसमें से कुछ लोग एक पुलिस को जान गंवाने गई. तो ये फैनेटिक लोग जो रहते हैं ना, ये ऐसा कोई भी अच्छा काम चल रहे रहते उसमें बाधा डालते हैं. सर्वसामान्य लोगों ने इस पर बिल्कुल विश्वास रखना नहीं चाहिए. मैंने खुद वैक्सीन लिया हुआ है, सब डॉक्टर्स लोग वैक्सीन ले रहे हैं. यदि डॉक्टर्स को तो सबसे पहले पता चलता है कि ये वैक्सीन सही में अच्छा है या ये है, और इसमें शरीर को कुछ उसके रिपरकेशन कुछ हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये सारा ध्यान डॉक्टर्स को होता है. इसके बाद भी यदि डॉक्टर्स ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये वैक्सीन सेफ है. 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का हमारा देश है, तब को क्या लगता है कि पूरे देश भर को वैक्सीनेट करने के लिए कितना समय लगेगा? देखो, उन्होंने बीच में ड्राई रन किया था, उन्होंने बीच में इसका सारा प्लानिंग किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको टाइम तो थोड़ा लगेगा ही. पर वैक्सीनेशन के डोज कितने अवेलेबल है, और आप जानते हैं कि अपना वैक्सीन इतना पॉपुलर हो रहा है कि और इतना उसको ऑथेंटिसिटी मिली है कि दूसरे देश भी वो वैक्सीन मांग रहे हैं. मैंने सुना ब्राज़ील ने मांगा और कुछ देशों ने मांगा, तो ये सारी चीज़ देखते हुए कुछ समय ज़रूर लगेगा. पर जो स्थिति आज है, मुझे ऐसा लगता है कि आने 6 महीने के अंदर बहुत सारा हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, देश के बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन कवर करेंगे. सब्सक्राइब टू नेशन नेक्स्ट यूट्यूब चैनल and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.